हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। जानते हैं आने वाले सप्ताह में मार्केट की क्या दिशा हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, ये हम एनालिसिस करेंगे 20 नवंबर 2020 को, वीक की समाप्ति के बाद, और जानने की कोशिश करेंगे संभावनाओं को। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की हम जो शुरुआत करते हैं, वो करते हैं गोल्ड के प्राइस चार्ट से। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर, और इसका जो कोड है आप सभी जानते हैं, पॉपुलरली इसे इंटरनेशनली ट्रैक किया जाता है XAU USD। तो दोस्तों, इसमें आपको याद होगा लास्ट सैटरडे को जब हमने अपडेट किया था, उस दौरान में बहुत क्लियरली इंडिकेट किया गया था कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रही है। वो ब्रॉडर रेंज है 1860 से 1960 का रेंज। तो ये $100 का जो रेंज है, इसमें गोल्ड की प्राइस का मूवमेंट हम देख रहे हैं। मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और वंस अगेन आप देखिए 19 नवंबर 2020 को एक बुलिश पिन बार बना, और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और यहां पर दोस्तों, सपोर्ट लेके अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता इस लेवल का, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, तो प्राइस के गिरने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। क्योंकि इस जगह पे मैं आपको एक और ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, और ये ट्रेंड लाइन था जो इंडिकेट करता था दोस्तों कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ गोल्ड में, लेकिन फिर प्राइस इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर में चली गई, इसलिए इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब दोस्तों, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही है सपोर्ट के पास में, जो SMA 144 का भी सपोर्ट है। तो संभावित समय में प्राइस के रेंज बाउंड रहने की ही संभावना गोल्ड में नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं US डॉलर INR करेंसी पेयर की तरफ। USD INR का ये प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। और दोस्तों, आपको याद होगा कि हम काफी दिनों से एनालिसिस में, इवन लास्ट सैटरडे को जो एनालिसिस की गई थी, उसमें इस फॉलिंग चैनल के बारे में चर्चा की गई थी, जहां लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा था और अपर फाइबर में हम रेजिस्टेंस देख सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार आप देखिए, यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन था और इसका अपेक्स का यहां ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने थ्रोबैक किया, तो ऑब्वियसली ये जो जोन है 74 का जो जोन है, एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखें, थ्रोबैक के बाद में इसके अपसाइड जाने की संभावना है। सिर्फ अब देखना ये है दोस्तों कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है कि नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं प्राइस चार्ट पे। यहाँ पर भी कई बार, दो बार रिजेक्शन देखा गया। तो दोस्तों, अराउंड 75 से लेकर 75.15 का एक रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल USD INR का जो रेंज है, वो दोस्तों निकल के आ रहा है 74 से 75.15 दोस्तों। अब हम चलते हैं और स्टॉक मार्केट एनालिसिस के तहत इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, और जहां पर सबसे पहले हम नैसडैक के प्राइस चार्ट को देखेंगे। दोस्तों, नैसडैक में भी आप देखिए, एक साइडवेज मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, और यहां पर ये ट्रेंड लाइन जो है, एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। इसके अलावा फिलहाल प्राइस EMA 21 और EMA 55 के ऊपर में चल रही है, लेकिन प्राइस का 12,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। जब तक 12,200 के ऊपर में प्राइस ट्रेड नहीं होती है, तब तक दोस्तों फर्दर मूवमेंट यहां पर नजर नहीं आएगा, और मार्केट के साइडवाइज रहने की संभावना है, जिसका रेंज है 11,500 से 12,200 का रेंज निकल के S&P 500 में आ रहा है। ओवरऑल
बुलिश है दोस्तों क्योंकि मार्कअप फेज में है और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिकेट करता है कि करेक्शन हो सकता है और ये शायद कॉम्प्लेक्स करेक्शन की संभावना एक नजर आ रही है। अब हम चलते हैं S&P 500 की तरफ। S&P 500 में देखते हैं, जिसे SP 500 के नाम से हम जानते हैं, तो दोस्तों इसमें ये तीन लेवल बड़े क्रिटिकल हैं जो हमने चार्ट पे मार्क किए हैं। आप देखिए प्राइस का इस करेक्शन के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है। इस डबल बॉटम का अपेक्स जो यहाँ था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और प्राइस थ्रोबैक करके प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट कर सकते, तो 3534 का जो लेवल है वो की सपोर्ट है। और यहाँ पे करीब करीब आप देखिए ईएमए 21 भी कोइंसाइड कर रही है, तो हमें कन्फ्लुएंसेस नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अपर साइड में देखें तो 3629 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। प्राइस का दो बार रिजेक्शन हुआ और कहीं दोस्तों ये अगर प्राइस इसके नीचे चली गई 3517 के नीचे, तो हम इसमें और एक करेक्शन देख सकते हैं डाउन साइड में। हाउएवर इमीडिएट टर्म्स में 3550 एक रेजिस्टेंस है। और ये क्यों है रेजिस्टेंस दोस्तों? प्राइस का मेजर रिजेक्शन यहाँ पर देखा गया था जब 3 सितंबर 2020 को एक 1 लाख करोड़ का फॉर्मेशन हुआ था, मासिव फॉल हुआ था। तो ये लेवल अब जो है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर प्राइस का फिर से रिजेक्शन हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा 3550। तो हम ब्रॉडर रेंज क्या बोल सकते हैं, 3534 से 3629 के साइडवाइज रेंज में रहने की संभावना नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ और वहां पर हम सबसे पहले मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे। ये दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं मिड कैप्स का, ये है दोस्तों निफ्टी मिड कैप 100 का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट्स। सो टॉप 100 मिड कैप कंपनीज का ये इंडेक्स है और इसमें दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि एक मासिव इंपल्सिव वेव के बाद में प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई है। हम देख सकते हैं प्राइस इज टू फार ऑफ EMA 21 एंड EMA 55। अब दोस्तों क्रिटिकल लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था, तो 17,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होने से हमें एक रेफरेंस देगी कि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अब दोस्तों इमीडिएट टर्म्स में हम सपोर्ट की बात करें तो 18,400 एक सपोर्ट नजर आता है। अगर हम ये मान के चलें कि जो शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ 19 नवंबर 2020 को, और ये अगर इस इंपल्सिव वेव की करेक्शन की शुरुआत है और इस इंपल्सिव वेव की समाप्ति हो चुकी है, तो दोस्तों इसके अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखें तो 18,400 के आसपास इसका दोस्तों 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है। तो इमीडिएट टर्म्स में 18,400 एक सपोर्ट नजर आ रहा है और अपर साइड में दोस्तों ये शूटिंग स्टार का जो हाई है 19,150 ये एक रेजिस्टेंस होगा। अब हम चलते हैं बैंकिंग स्पेस की तरफ और बैंक निफ्टी, जिसे हम निफ्टी बैंक भी बोलते हैं, उसके प्राइस चार्ट को देखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों डेली मार्केट अपडेट स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो हम डेली बेसिस पे मार्केट की समाप्ति पे लेके आते हैं, निफ्टी की एनालिसिस और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, तो आपको याद होगा हमने लास्ट एनालिसिस में चर्चा की थी। और यहाँ पर दोस्तों करेक्शन की संभावना को हम फिलहाल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मासिव इंपल्सिव वेव के बाद ये भी बात की गई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में डिस्टिंक्टली डिफरेंट फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें दोस्तों इस मासिव इंपल्सिव वेव के बाद में एक करेक्शन होता है, ऑल्दो वो शैलो करेक्शन है लेकिन करेक्शन था, और उसके बाद में एक नए इंपल्स का फॉर्मेशन होता है और ये इंपल्स यहां पर देखिए बना है। तो मैंने इस इंपल्स के आधार पर
फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचा है तो 28,465 टू बी वेरी प्रिसाइज एक इमीडिएट टर्म्स में सपोर्ट नजर आ रहा है। और अपर साइड में देखें दोस्तों तो 29,750 जो यहां से प्राइस का जो इंपल्स का हाई है वहां से लेकर ये 30,200। अब ये 30,200 कैसे निकाला हमने, इस इंपल्सिव वेव का जो लास्ट इंपल्सिव वेव है उसका फिबोनाची एक्सपेंशन किया तो वो दोस्तों 127.2% 30,200 पे आ रहा है। अब दोस्तों ये हमें समझना होगा कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं इसमें आने वाले सप्ताह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले सप्ताह में दोस्तों अगर आप देखिए 61.8% जो रिट्रेसमेंट है इस इंपल्सिव वेव का वो आता है 28,498 तो 28,500 हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल है 13 नवंबर की कैंडल के जो बॉडी का रेंज हो ओपनिंग टू क्लोजिंग ये रेंज एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगी और इसका जो लोअर रेंज है 28,100 है जो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो दोस्तों इमीडिएट टर्म्स में हम मान के चलें तो बैंक निफ्टी में 28,465 एक सपोर्ट है और अपर साइड में अगर देखें दोस्तों तो 29,750 से लेकर 30,200 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड है। अगर दोस्तों 29,750 के ऊपर में ट्रेड हुई तो हम निफ्टी को 30,200 के ऊपर जाता हुआ देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और निफ्टी के प्राइस चार्ट में आपको याद होगा दोस्तों हमने एक लॉन्ग टर्म ये ट्रेंड लाइन खींची थी जो रेजिस्टेंस पिवट्स को ज्वाइन करके रिजेक्शन रिजेक्शन और प्राइस देखिए यहीं से रिजेक्शन दिखा रही है बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस के स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हैं। यहाँ एक करेक्शन होता है प्राइस का रिजेक्शन होता है इस ट्रेंड लाइन से और दोस्तों इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन के बाद हमने क्या लेवल है दोस्तों ये देखिए कैंडल जो बनी बुलिश बनी। बुलिश कैंडल में कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लार्ज लोअर शैडो है इसीलिए हम इसे वन वाइट सोल्जर भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये कैंडल का एक बाइंग तो जरूर आई है और इस बाइंग के अनुसार दोस्तों फिलहाल हमने जो डेली मार्केट अपडेट के दौरान स्टॉक मार्केट एनालिसिस में 12,900 से लेकर 13,000 का बैंड जो है वो एक रेजिस्टेंस दिखाया था वो अभी भी वैलिड है दोस्तों। और सॉरी फ्रेंड्स डाउन साइड में देखें तो इस इंपल्सिव वेव का इस मेजर इंपल्सिव वेव का अगर हम करेक्शन प्लॉट करें तो 38.2% आता है 12,418 पे तो 12,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इस लेवल पे देखिए EMA 21 भी को इनसाइड कर रही है। इसका मतलब मेजर कन्फ्लुएंसेस हमें मिल रहे हैं। साथ में इस पिवट्स को देखिए प्राइस का रिजेक्शन तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन भी जब मार्केट करेक्शन होगा तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। ये आप देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट ये एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो आने वाले समय में 12,400 से 13,000 के रेंज की संभावना हम इसमें देख सकते हैं और आपको याद होगा दोस्तों अगर 13,000 के ऊपर में प्राइस की गई तो दोस्तों आपको याद होगा चलिए आज भी हम करके दिखा देते हैं पहले मैंने इस चैनल में कवर किया था। अगर हम इस मेजर इंपल्सिव वेव को देखते हैं तो दोस्तों 13,000 एक रेजिस्टेंस है क्योंकि इस इंपल्सिव वेव का 127.2% है और इसके बाद दोस्तों अगर इसके ऊपर में ट्रेड हुआ मैंने 13,060 के ऊपर में प्राइस अगर ट्रेड होने लगी तो हम निफ्टी को 13,400 तक जाता हुआ देखेंगे दोस्तों क्योंकि 161.8% है। लेकिन अभी दोस्तों टाइम लगेगा उसमें और इसीलिए आने वाले सप्ताह में 12,400 एक सपोर्ट है 13,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों NSE की ऑफिशियल वेबसाइट में
और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा से समझने की कोशिश करते हैं कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट 26 नवंबर 2020 को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट भी होगा दोस्तों, उसे हम रेफर कर रहे हैं। सबसे पहले पुट साइड में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है जो 12,800 के स्ट्राइक प्राइस पे है, अच्छा बिल्टअप है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा बिल्टअप है 12,500 पर, और 12,400 एक हमें सपोर्ट नजर आया प्राइस एक्शन एनालिसिस में। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि प्राइस 12,500 के नीचे आए और वो फिर रिकवर होके 12,500 डिफेंड होता हुआ नजर आए। वैसे अगर इसको डिटेल में देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और अभी सभी जानते हैं 12,073 पर एक गैप है और 12,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग निफ्टी में बेस बन रहा है और यही कारण है यहाँ बिल्टअप बहुत अधिक नजर आ रहा है पुट साइड में। अब हम चलते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में हम देख सकते हैं डिसाइसिवली हाईएस्ट बिल्टअप है यहाँ पर जो 13,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी 13,056 या 60 का लेवल जो था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आया था जब हमने वेव की एनालिसिस की थी। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 26 नवंबर 2020 को वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो मंथली एक्सपायरी भी है उसे हम रेफर कर रहे हैं ऑप्शन में। पुट साइड में सबसे पहले देखते हैं क्या सिनेरियो नजर आ रहा है दोस्तों। तो पुट साइड में हम देखते हैं कि एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर नजर आ रहा है 28,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और हमने देखा दोस्तों कि प्राइस एक्शन एनालिसिस में 28,100 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है। अब इंटरवीनिंग सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देखिए यहां भी एक अच्छा खासा बिल्टअप है 28,500 पे। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं 28,100 से 28,500 का जो रेंज है वो एक डिमांड जोन है आने वाले वीक में दोस्तों। अब पुट कॉल साइड में देखें दोस्तों, तो कॉल साइड में हाईएस्ट बिल्टअप यहां पर नजर आ रहा है जो 29,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, लेकिन यहां पर भी अच्छा खासा बिल्टअप है दोस्तों जो 30,000 के लेवल पे है, और प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी हमने देखा कि यही लेवल सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं जो प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार 30,200 पे वेव का एक्सपेंशन आ रहा है जहां तक जाने की संभावना हो सकती है, और सपोर्ट के हिसाब से भी दोस्तों हम देख सकते हैं कि वो लेवल आ रहा है, और ये लेवल जो है 29,500 ये एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं हमें मिलता है मोटिवेशन जो हमारे एनर्जी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन मार्केट अपडेट्स का फायदा हो सके, और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के इंतजार होगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे।